नमस्कार, वेलकम टू मायास फूड। और आज हम बनाने जा रहे हैं हल्दी के लड्डू। सिर्फ हल्दी ही नहीं, जो सारी चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, गुणकारी है। तो इस लड्डू को आप ट्राई ज़रूर कीजिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और इन लड्डू को बनाने की जो प्रोसेस मैंने इसमें बताई है ना, तो इतनी ईजी वे में बताई है कि आपको लड्डू बनाते समय ज़्यादा परेशानी बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ये देखिए कि पहला इंग्रेडिएंट हमारा है यहाँ पे ये खजूर। तो ये गीली वाली खजूर है जिसमें कि बीजे भी नहीं है, और यदि आपके पास इसमें बीजे हो ना तो कोई बात नहीं, बीजे को हटा लीजिए आप और इस तरह से खजूर को आप तैयार कर लीजिए। तो एक छोटी कटोरी मैंने यहाँ पे ये खजूर लिया है। अब क्यों लिया है, क्योंकि खजूर में ना हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे सिचुएशन में ना हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से बना रहे, ब्लड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए खजूर जो है बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस रेसिपी में खजूर को ऐड किया है। अब अगला इंग्रेडिएंट हमारा है बादाम। तो यहाँ पे हमने कुछ बादाम लिए हैं, छोटी कटोरी। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बादाम जो है जितना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है उतना ही हमारे मस्तिष्क के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो जो भी माइंड से रिलेटेड वर्क होते हैं ना, तो उसमें ना बादाम बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और इस सिचुएशन में आपको सिर्फ फिजिकली ही फिट रहने की ज़रूरत नहीं है, मेंटली भी फिट रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए जो बादाम है ना, ये आपके माइंड पे वर्क करता है, यानी कि आपके विचारों को आपके अकॉर्डिंग टर्न करने में बादाम वर्क करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं ना कि यदि बुद्धि बढ़ानी हो, हम कहते हैं माइंड बढ़ाना हो तो बादाम का सेवन कीजिए, यानी कि बादाम का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है ना वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। और ऐसी सिचुएशन में हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमने इसे ऐड इसीलिए किया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे लेंगे मूंगफली। मूंगफली यदि देखी जाए तो हेल्थ के नज़रिए से भी काफ़ी अच्छी है, इसमें मॉइस्चर ऑयल सभी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। प्रोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स है, इजीली अवेलेबल है, इसलिए किसी भी डिफ़िकल्ट सी चीज़ को ना लेकर मैंने यहाँ पे इसमें मूंगफली को ऐड किया है। हाँ, आप चाहे तो टेस्ट के लिए थोड़े काजू इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मूंगफली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट गुड़। तो गुड़ आपको बिल्कुल ज़रूर से लेना है, शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। यदि आप सोचें कि मैं गुड़ की बजाय यहाँ पर शक्कर का इस्तेमाल करूँ, तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गले से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, शक्कर उसके लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट तैयार करता है। जबकि जो गुड़ होता है, बनता तो ये भी गन्ने से ही है, लेकिन इसके जो गुणधर्म है ये काफ़ी अच्छे होते हैं और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर गुड़ का ही इस्तेमाल किया है, चीनी को आप कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए। हमने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा, जो हम डेली रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सिंपल उसी आटे का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और नेक्स्ट अब यहाँ पे देख लेते हैं मसाले। तो मसालों में हमने यहाँ पे लिए हल्दी, सौंफ, सौंठ का टुकड़ा, लौंग और इलायची। अब सबसे पहले हम रोस्ट करते हैं मूंगफली को। तो इन चीज़ों को हमें रोस्ट इसलिए कर लेना है ताकि थोड़ा बहुत भी जो मॉइस्चर होगा तो वो यहाँ पे हट जाएगा, जो भी चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ना लड्डू बनाने में, तो यदि हम इसे इस तरह से रोस्ट करके लेते हैं तो वो ख़राब नहीं होती है। तो इसलिए इसे रोस्ट कर लेंगे और इसके छिलकों को निकाल लेंगे। अब मूंगफली को रोस्ट करने के बाद यहाँ पे हल्का सा हम बादाम को भी रोस्ट करेंगे, और इसी में यहाँ पे आपको सौंफ भी डाल लेना है। तो फटाफट से इन चीज़ों को रोस्ट करने के बाद अब इसे निकाल लेंगे। अब लास्ट में हम यहाँ पे भून लेंगे गेहूं के आटे को भी। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर दीजिए, जिससे कि आटा जो है हमारा अच्छी तरह से भून सके। और यहाँ पे हमें गेहूं के आटे को भूनते समय ना थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। आप देखेंगे कि आटे में जो है धीरे धीरे ना महक आना स्टार्ट हो जाता है, फिर भी हमें कंटिन्यूसली कुछ देर के लिए अच्छी तरह से आटे को भून लेना है। तो देखिए आटा जो है हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आपके काम को हम बहुत ईजीली बना देते हैं डायरेक्टली। अब मिक्सी जार में हमें ये गर्म मसाले डाल देना है, और ये सौंफ और बादाम ये इसमें डालेंगे।
तो ये जो है हार्ड वाली चीज़ें हैं, तो ये पहले हम पीस लेंगे। तो ये चीज़ें हमारी इस तरह से पिस चुकी हैं। अब इसमें हमने ये मूंगफली डाल दी है, इसे भी थोड़ा चला लेंगे। अब डाल देना है ये खजूर, गुड़, ये जो आटा हमने भुना था ये भी हम इसी में डाल देंगे ताकि बाइंडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से हो सके। और आधा आटा डालने के बाद फिर इसके बीचों बीच ना हमें यहाँ पे हल्दी डालना है ताकि जिसकी जो गर्माहट है इसकी वजह से हल्दी की जो खुशबू है, जो स्वाद है, वो भी उभर कर काफ़ी अच्छी तरह से आने लगेगा। बाकी का आटा इसके ऊपर डाल दें। पहले इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो ये देखिए, अभी ये जो चीज़ें हैं ये आपकी इस तरह से पीस चुकी हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, एक कटोरी में मैंने घी को गर्म कर लिया है, लेकिन घी को मैंने इतना भी गर्म नहीं किया है कि इसमें से धुआं निकलने लगे, क्योंकि ज़्यादा गर्म करने से ना घी का स्वाद चेंज हो जाता है। तो घी यहाँ पे हल्का सा, लगभग हल्के से ज़्यादा ही गर्म है वैसे। तो अब थोड़ा थोड़ा करके इस जार में हमें घी ऐड करना है और पीसते जाना है। चलिए पीसते हैं इसे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये मिक्सचर बनके तैयार है। और मैं दिखा दूं आपको कि हमने यहाँ पे एक कटोरी घी गर्म किया था, जिसमें कि मुझे सिर्फ यहाँ पे आधा कटोरी ही घी इसे बनाने में लगा है। और एक प्लेट में आप इस सारे मिक्सचर को निकाल लीजिए, थोड़ा सा हाथों से यूँ मैश कर लीजिए। इसमें गर्माहट अभी भी है, जब तक ये गर्म है तो फटाफट से यूँ इसके लड्डू बना लीजिए। ध्यान रहे कि लड्डू हमें एकदम ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है, कि आप सोचेंगे बड़ा सा लड्डू बनाएंगे और जल्दी से ज़्यादा हेल्दी इफेक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा छोटा ही बनाना है, क्योंकि यदि रोज़ खाएंगे तो इतनी ही कम मात्रा ही इसकी काफ़ी अच्छी होती है। देखिए फटाफट से लड्डू बन जाएगा, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और ये जो सारी प्रोसेस जो की है हमने मिक्सचर को मिक्स करने की, तो वो डायरेक्टली मिक्सी जार में ही की है ताकि लड्डू बनाते समय ना आप किसी भी तरह की दिक्कत ना आए और फटाफट से लड्डू बन के तैयार भी हो जाए। क्योंकि कई बार हम यही सोचते हैं कि किसी भी रेसिपी को देख के, अरे अरे से बनाने में तो काफ़ी झंझट है, और फिर हम अवॉइड कर देते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि भले ही कोई तली भुनी चीज़ें आप बनाएं चाहे ना बनाएं, लेकिन वो चीज़ें जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है ना, तो उसे ज़रूर ट्राई किया कीजिए। ये तैयार है हमारे हल्दी वाले लड्डू। जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और यदि पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन लड्डू आप जरूर ट्राई कीजिए। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू।